स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। नाउ स्टार्ट आवर वर्क। आज आप प्रेजेंटेशन के थ्रू लेक्चर लर्न करेंगे। द डेट इज 26 मार्च 2020 एंड द डे इज थर्सडे। जो सब्जेक्ट आपको वो मैं समझाऊंगी वो हमारे पास होगा साइंस का। बेटा, हम लोगों ने स्टार्ट करना है टॉपिक अगला, वो कौन सा था? अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। अगर इनकेस मैं आपको बुक के थ्रू दिखाऊं तो आपको बुक में पेज नंबर 31 पे आपका टॉपिक आपको शो हो रहा है, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है, ठीक है? कि अडेप्ट करना, अडॉप्ट करना किसी भी चीज़ को, कोई अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया, इनकेस सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ आ गई, समर है, विंटर सीजन है, तो उन चीज़ों के लिए जो एनिमल और प्लांट्स अपने आप में जो चेंजेस लाते हैं वो हमने इस टॉपिक में लर्न करना है। और बेटा, हमने जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करता है तो उसके लिए हम एक टाइटल पेज बनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने भी एक टाइटल पेज बनाना है। जो आप लोगों ने टाइटल पेज बनाना है उसमें आप किसी भी किस्म की कोई एनिमल्स प्लांट्स शो कर सकते हो, जैसे कि या अगर हमारे पास बुक में भी देख सकते हो, ये इस तरह का कोई बना सकते हो, कोई एनिमल शो कर लिया, कोई इस तरह की जो चीज़ें। आप लोगों ने एक अच्छा आपका प्रेजेंटेशन, आपका टाइटल पेज होना चाहिए, ठीक है? फर्स्टली मैं आपको थोड़ी सी हम इस टॉपिक से रिलेटेड रीडिंग कर लेते हैं। हमारे पास नॉलेज कॉर्नर में लिखा हुआ है, डू दे नॉट सी। जो नॉलेज कॉर्नर होता है ना, वो हमें बताता है कि ये कुरान पाक से रिलेटेड थोड़ी सी एक आयत ली होती है और उसकी ट्रांसलेशन होती है हमारे पास। डू दे नॉट सी बर्ड्स अबव देम विद विंग्स और सेपरेट एंड सम टाइम फोल्डेड इन। कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा, ये अल्लाह ताला की शान है ना, अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है कि जो परिंदे हैं उनके जो विंग्स हैं, उनके जो पर हैं, ठीक है, वो जो चीज़ें कभी फैली होती हैं, कभी वो उड़ रहे होते हैं, कभी वो फोल्ड होते हैं। नन होल्ड दैम एक्सेप्ट अल्लाह, उन्हें कोई नहीं होल्ड कर सकता एक्सेप्ट अल्लाह के, अल्लाह के सिवा। द मोस्ट मर्सीफुल, जो बहुत ही रहीम है। इन डीड, इस ज़रूरत इसकी है, ही सीज एवरी थिंग, वो हर चीज़ देखता है। इधर ना थोड़ा सा एक, जैसे कि क्लास में एक टीचर आई है, एक मुकालमा, एक डायलॉग दिए गए हैं, तो हमने जस्ट ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है इसका कि अस्सलामुअलैकुम। टीचर आई है क्लास में, उसने क्लास को अस्सलामुअलैकुम कहा। इट सीन्स योर पीपल आर लुकिंग एट मी विद अ सरप्राइज। क्या आप मुझे इतनी सरप्राइज, इतने हैरान कन से क्यों देख रहे हैं? कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हैं व्हाई, क्यों? कैन यू टेल मी व्हाई इट इज़ नॉट राइट टू वेयर वार्म, क्या ये ठीक नहीं है कि मैंने गर्म कपड़े पहने हैं? क्लॉथ इन समर, गर्मियों में मैंने गर्म कपड़े पहने हैं। जाहिर अब मैं गर्मियों में आपके सामने गर्म कपड़े पहन कर आ जाऊँगी तो आप कहेंगे ना टीचर बेवकूफ़ है, ये गर्म कपड़े पहन। लेकिन मैं टीचर बच्चों को समझाने जा रही थी कि अडेप्टेशन, हमने अगर माहौल के मुताबिक अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है, कौन सी चीज़ें हम अपने अंदर चेंजिंग लाते हैं। आगे से स्टूडेंट उसे कह रहा है, इट इज़ बिकॉज वार्म क्लॉथ विल नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू एस्केप। कि जो वार्म क्लॉथ हैं वो हमारी बॉडी से जो हीट एस्केप होता है निकलने नहीं देंगे। दिस इज कैन बी हार्मफुल इन समर, क्योंकि जाहिर एक पहले गर्मी अगर हम वुलन क्लॉथ पहन लेंगे तो उससे और ज़्यादा गर्मी, जिससे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। वी आर अमेज्ड टू सी यू वेयरिंग अ वुलन कोट इन द हॉट एंड सनी वेदर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि हम हैरान हैं कि आप ये सनी वेदर में, यानी इतनी गर्म मौसम में आप वुलन कोट पहन कर आ गई हैं। तो इट्स वो समझाने जा रहे थे कि जैसे मौसम चेंज होता है, वेदर की कंडीशन चेंज होती है, वैसे ही हम अपनी क्या कर लेते हैं, अपनी क्लोथिंग भी चेंज कर लेते हैं। इट मीन्स वी चेंज आवर क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन, दिस इज़ कॉल्ड अडेप्ट। अडेप्टेशन मीन्स समझ आ गई आप लोगों को कि कोई भी मौसम की चेंजिंग आती हैं तो उसके लिए जो हम चीज़ें अपने अंदर चेंज करते हैं, अपनी क्लोथिंग चेंज कर लेते हैं, हम अपना खाना पीना भी चेंज कर लेते हैं, तो वो जो चीज़ें हम अडोप्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। एंड द नेक्स्ट पेज इज 32। इन द सेम वे एनिमल एंड प्लांट्स आर नेचुरली अडेप्टेड टू लिव इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। के बताते हैं कि जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो कुदरती तौर पर ही, जैसे कि हमें गर्मी और सर्दी फील होती है ना, इसी तरह प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो कुदरती तौर पर ही अपने इन्वायरमेंट में चेंज हो जाते हैं और वो अडोप्ट कर लेते हैं। स्नोई ऑयल्स डू नॉट लिव इन डेजर्ट। कि जो स्नोई ऑयल, जो बर्फानी उल्लू हैं, वो क्या करते हैं,
जाहिर है बर्फानी है, बर्फ में रहने वाले हैं, वो डेजर्ट में तो रह नहीं सकते। बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू अ वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट, स्नोई है तो अपने अपने माहौल के मुताबिक अपने मुताबिक क्या करेंगे, इन्वायरमेंट अडेप्ट करेंगे जो कि कोल्ड इन्वायरमेंट होगा। स्नोई ऑयल्स हैव अ थिक लेयर ऑफ डाउन अंडर देयर फीदर्स। फीदर्स क्या होते हैं, और जो उनके पर हैं उनके नीचे उनके पास क्या होता है, थिक एक मोटी लेयर होती है। फीदर आल्सो कवर देयर लेग्स एंड टॉयज टू मेनटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ऑफ 38 to 40 degrees Celsius। कि अगर टेम्परेचर 38 या 40 भी हो जाता है तो उसे क्या कर देते हैं, उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेनटेन रहता है। जिस वजह से, किस वजह से, क्योंकि उनके फीदर्स ने उनको कवर किया होता है। नाउ लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन हैबिटेट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर अडैप्टेड टू दीज हैबिटेट। फर्स्ट हैबिटेट हमने कहा कि हम देखते हैं कि कौन कौन से हैबिटेट होते हैं। जो फर्स्ट हैबिटेट है हमारे पास कौन सा है, डेजर्ट हैबिटेट। अ डेजर्ट इज अ सैंडी, कि एक डेजर्ट क्या होता है, रेतला होता है, जहाँ पे बहुत कम दरख्त होते हैं, वहाँ पे बहुत ही कम होते हैं। एंड पेबली प्लेस डैट रिसीव लेस देन 25 centimeters ऑफ रेन इन अ ईयर, कि उधर वहाँ पे बारिशें भी बहुत कम होती है, अगर होती भी हैं तो 25 centimeters से लेस होती हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग द डे, कि वो एक्सट्रीमली होते हैं धाक गर्म और खुश्क इलाका है वहाँ पे। वाइल द इवनिंग आर प्लेजेंट देयर, जबकि जो शाम होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन लिव ओनली इन अ डेजर्ट हैबिटेट बिकॉज दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर। अब वो कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें अडेप्टेशन होती हैं। जाहिर जैसे कि हमारा माहौल है ना, हम अपने माहौल के मुताबिक हम अंदर अडेप्टेशन कर लेते हैं। अब डेजर्ट हैबिटेट होगा तो उनके मुताबिक भी उनकी क्या होंगी, स्पेशल स्ट्रक्चर होंगे। अल्लाह ताला ने वो चीज़ें दी होंगी जिसकी वजह से वो उधर सर्वाइव कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर हैबिटेट आगे, स्ट्रक्चर हैबिटेट, अब अ चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के जाहिर कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर ऑर्गेनिज्म है उसका चेंज आएगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगा, तभी वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है ना, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज होता है। विच हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल हैबिटेट। और नीचे आप देखो अ कैमल, कैमल का आपको पता है ये हमारे पास डेजर्ट में रहता है, तो वो क्या करता है, कैमल स्टोर्स फैट्स इन इट्स हम्प एंड यूज देम व्हेन फूड इज स्केयर्स, कि वो अपनी जो फूड होती है ना, जो पानी होता है, जो फूड होती है, वो स्टोर कर लेता है और वो यूज तब करता है जब उसके पास फूड की कमी हो जाती है। सम फ्लावर्स जैसे कि कैक्टस वगैरह आ जाते हैं हमारे पास, ब्लूम बियर सीड्स एंड डाई विद इन अ फ्यू वीक्स आफ्टर अ हैवी रेन, कि कुछ सीड्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो अपने सीड्स से करते हैं ब्लूम करते हैं। कुछ आपको प्लांट्स नज़र भी आते होंगे कि वो डेजर्ट के होते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे से फूल लगे होते हैं, तो जो फूल होते हैं ना वो कुछ ही वीक्स में क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जब उन पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कैक्टस है, कैक्टस आपको पता है जिसके ऊपर कांटेदार चीज़ें होती हैं, स्टोर वाटर इन देयर स्टेम एंड रूट्स, इनके ऊपर जो स्टेम्स होते हैं, इनकी रूट्स होती हैं, उसमें वो क्या करते हैं, वाटर को सेव कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास जैक रैबिट, छोटा सा रैबिट आपको इधर नज़र आ रहा होगा, वो कहते हैं ह्यूज ईयर, इसके कान बड़े लंबे लंबे होते हैं, हेल्प जैक रैबिट्स गेट रिड ऑफ बॉडी हीट, जो उसके बॉडी को अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसको क्या करता है, वो उसे कंट्रोल में दे देता है। अब कैंगरू, कैंगरू रैट्स है, एक कैंगरू ऐसे है ना एनिमल्स, इस तरह अब ये रैट है, नेवर नीड टू ड्रिंक, इसे पीने की ज़रूरत ही नहीं होती, दे रिसाइकल वाटर फ्रॉम द फूड एंड दे दैट इट, वो रिसाइकलिंग वाला यानी अपनी जो चीज़ खाई उसे ही दोबारा यूज़ कर लेता है। द थॉर्नी ड्रैगन हैज ग्रूव्स, अभी आपको ड्रैगन छोटा सा इधर से बुक में नज़र आ रहा होगा, ड्रैगन द थॉर्नी ड्रैगन हैज ग्रूव्स बिटवीन इट्स थॉर्न्स विच आर यूज टू अब्जॉर्ब वाटर और इवन ड्यू ड्रॉप्स, ठीक है, वो सिर्फ इसे ड्रैगन को थोड़े से ड्रॉप की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो अब्जॉर्ब कर लेता है और उसे स्टोर भी कर लेता है। और ये आप लोगों ने बेटा इस दो पेज की आप लोगों ने रीडिंग करनी है, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स की पेज नंबर 31 and 32, और इसके साथ आप लोगों ने बेटा बनाना है अपने टाइटल पेज, ये आप लोगों का वर्क होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।